हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे ये ड्रेस बनाने के लिए, इसका फैब्रिक को हमने चौड़ाई लिया है 14 इंच और लंबाई हमने लिए है 18 इंच, और यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को एक साथ कटिंग करेंगे। और यहाँ पे जो फैब्रिक है मैंने हाफ फोल्ड करके लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा फोल्ड हुआ पार्ट है वहाँ पे हम हमारी जो पुरानी कमीज़ है उसको इस तरह से इसके ऊपर रख के मैं माप ले लेती हूँ। ये करने का सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि बहुत ऐसे व्यूअर्स हैं जिन लोगों को नहीं पता किस तरह से मेज़रमेंट करना है और ये मेज़रमेंट्स को देना है। सो इसलिए मैंने ये वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से विदाउट कोई मेज़रमेंट के ही आप लोग ओल्ड जो ड्रेसेस है उसके साथ ही आप लोग बना सकते हो। तो जो हमारी बेसिक मेज़रमेंट है उससे 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इस टाइप की जो कुर्ती टॉप्स है यहाँ पे थोड़ा लूजिंग होती है इस टाइप की कुर्ती टॉप्स में। सो इसीलिए हमने 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे हमें अच्छी तरह से जो हमारा आर्म होल का माप है, जो शेप है, वो हम लोगों को देकर हम इसको कटिंग कर लेना है। फ्रंट नेक हम देंगे तकरीबन 5 इंच का, वो यू शेप वाला जो होता है वो, और बैक नेक पे हम शॉर्ट नेक देंगे, जो बेसिकली मैं सब समय यूज़ करती हूँ। सो ये है मेरा आर्म होल का फ्रंट का। तो थोड़ा ज़्यादा हमें यहाँ पे कटिंग करना है, तो हम इसको कटिंग कर लिए हैं, और जो बैक पार्ट है उसको भी हम लोग इसे यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तकरीबन इसका हम लेंगे 1/2 इंच का, और अब हम इसको कट कर लेते हैं। जब ये कटिंग हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट साइड एक साथ रख के यहाँ पे दो शोल्डर्स जो है वो एक साथ स्टिचिंग करना है। ये है स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पे हमने फोल्ड करके इसको भी हमने मिडिल से फोल्ड किया है, 14 इंच है, और इसकी लंबाई हमने लिया है 8 इंचेस। तो यहाँ पे दो पीसेस हमने लिए हैं दो स्लीव्स के लिए, जो हमारी पैलेट्स होंगे हाथों में। और यहाँ पे हमने फैब्रिक को फोल्ड करके लिए हुए हैं, दो फैब्रिक हमने लिए हैं, और इसको भी हमने मिडिल से फोल्ड करके लिए हुए हैं। लेने के बाद टॉप को इसके ऊपर इस तरह से रख के हम इसका मेज़रमेंट ले लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मार्क कर लेते हैं इस तरह से। और इसका जो लंबाई है, लंबाई हम देंगे तकरीबन 7 इंचेस, 6 इंच है नॉर्मली, 1 इंच एक्स्ट्रा हम देंगे स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे हो गई है 7 इंचेस। और हाथों का जो घेर है, घेर के लिए हम लेंगे तकरीबन 7 से 8 इंच। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं। और इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारी ये कटिंग हो गई। ये पीसेस को हमें यहाँ पे इसको अटैच करना है छोटे छोटे पैलेट्स करके, वो मैं स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग की तरीका मैं बताते जाऊँगी। और ये है बॉकरो वेवी, आप लोगों को मैं दिखाऊँगी किस तरह से मुझे ये कटिंग करना है और इसको अटैच करना है। और यहाँ पे हमने थोड़ा पीसेस लिए हुए हैं जो हमारी बॉकरो पे अटैच होगा। अब हम दिखाते हैं हमारा जो स्कर्ट है उसको। स्कर्ट को भी हमने डबल फोल्ड करके लिए हुए हैं। हर एक पार्ट के लिए हमें 28 इंच का चौड़ाई चाहिए और लंबाई है तकरीबन 14 इंच का। यहाँ पे हमने छोटे छोटे करके दो स्ट्रिप को एक साथ स्टिच कर लिए हैं, जो हमारी नेक के लिए अटैच होगा। यहाँ पे ये जो बॉकरोम हमने लिए है, तकरीबन हमने इसका लंबाई लिए है 1 इंचेस का, और इसका जो चौड़ाई है वो मैं कोई मेज़रमेंट मैंने नहीं दिया, जो हमारी हाथों का घेर आए यानी कि कलाई के ऊपर का जो स्पेस है वो जितना आप लोगों का है आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे तकरीबन हमारी आर आएगा तकरीबन 7 इंचेस, वो भी मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी। ये है स्ट्रिप जो हमारी नेक पे अटैच होगा। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको फोल्ड करके सेंटर से इसको आयरन कर देंगे इस तरह से। इससे होगा क्या, जब हम स्टिचिंग करेंगे उस समय हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको अटैच करने में। तो ये हो गई है हमारा स्टिचिंग।
आयरन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा एक पत्ते के जैसे शेप देकर इसको कट कर लेते हैं, जो हमारी स्लीव्स का पार्ट है। तो यहाँ पे टोटल है हमारा 2 पीसेस। अब मैं स्टिचिंग का तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। स्टिचिंग के लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो स्ट्रीप था, जो 8 इंच का फैब्रिक था, उसके ऊपर हम लोगों को छोटे छोटे करके इस तरह से स्मॉल पैलेट्स देने होंगे। अगर ये आप लोगों के आप लोग मशीन से ये नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिग साइज को जो साइज में जो स्टिचिंग है उसको देकर एक धागे को खींच के आप लोग ये जो पैलेट्स है वो बना सकते हो। जब ये हो जाए उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से रख के इसको पिन से ब्लॉक कर देंगे। देने के बाद यहाँ पे हम लोग स्टिचिंग कर लेंगे। और जब हम ये स्टिचिंग करेंगे, थोड़ा ध्यान से जो स्टिचिंग है स्टिचिंग के ऊपर ही होना चाहिए। तो इससे होगा क्या, ये जो स्लीव्स है दिखने में अच्छा लगेगा। सेम प्रोसेस हम दूसरा वाला पार्ट पे भी करेंगे, यानी कि नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे। छोटे छोटे करके पैलेट्स देके जो बॉकरों का पार्ट है वो हम अटैच करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अब हम यहाँ पे स्टिचिंग कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा स्पीड में है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वरना, इसलिए मैंने बेसिक जो पार्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वही पार्ट आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ, इससे आप लोग आसानी से बना सकते हो। सेम प्रोसेस में हम यहाँ पर भी छोटे छोटे करके पैलेट्स दे रहे हैं और इसको हम हमारी जो कलाई का जो जितना घेर आएगा उस घेर की मेजरमेंट से हम लोग लेंगे। तो ये है हमारा बॉकरम का स्ट्रीप, हम इसको इस तरह से माप लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 12 इंच, तो यहाँ पे हम लेंगे 12 इंच इस तरह से, 12 से थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, यानी कि 14 इंच, क्योंकि 2 इंच हमने दो साइड से एक्स्ट्रा लिए है क्योंकि स्टिचिंग के समय ये ज़रूरत होगी। इसीलिए यहाँ पर भी मैं इस तरह से एक धागे को खींच के इस तरह से छोटे छोटे करके पैलेट दे देती हूँ। देने के बाद इसके साथ हम लोग अटैच कर लेंगे। मैं जिस प्रोसेस में आप लोगों को दिखा रही हूँ, अगर आप लोग ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप लोग इजीली इसको बना पाओगे, और जो लोग नए हो उन लोगों के लिए बहुत ही आसानी होगी, इसको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी स्टिच हो गई है। हम इसके ऊपर एक चाप स्टिच देंगे। पहला वाला जो हमने अटैच किया था वहाँ पे हम कोई भी चाप स्टिच नहीं देंगे, सिर्फ जो कलाई का पार्ट है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों जो स्लीव्स है उसको अटैच कर लेना है और इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मेरी स्लीव्स तैयार हो गई है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आया है। इस तरह से अब हम चले जाते हैं हमारा जो टॉप है उसको। तो जो मैंने पहले बताया था शोल्डर्स को एक साथ हमें स्टिचिंग करना है, तो दो शोल्डर्स को हम इस तरह से एक साथ रख के इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो शोल्डर्स है वो स्टिचिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डोरी था वो जो हमने सेंटर से फोल्ड कर लिए थे उसको हम दोनों साइडों से छोटा छोटा करके फोल्ड करके हम नेक के लिए यहाँ पे अटैच करेंगे। ये डोरी वाला जो साइड है जहाँ पे एक्स्ट्रा डोरी रहेगा वो कोई भी साइड पे आप लोग देख सकते हो, फ्रंट पे सेंटर पे भी दे सकते हो या फिर दो साइडों के कोई भी एक साइड पे आप लोग दे सकते हो। ये वाला पार्ट हम हमारी ड्रेस की दाएं तरफ देंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से मैं कर रही हूँ।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इससे होगा कि अगर इस प्रोसेस में हम लोग करते हैं, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो और बहुत ही कम समय में। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके यहाँ पे कर लिया। और ये पार्ट जो है, यहाँ जब हम आएंगे एंडिंग पे, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो पार्ट है, यानी कि जो दूसरा वाला पार्ट है, साइड है डोरी का, उसको लेकर मैं छोटा, बहुत ही कम फैब्रिक लेके यहाँ पे उसको एक साथ लेके हम लोग स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पीसेस है उसको हम एक डोरी का शेप देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हमें स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी ये डोरी का शेप आ गया है, और हमारे यहाँ पे एक छोटा गिट दे देंगे दो। तो इससे होगा क्या, वो ये जो धागे है वो नहीं खुलेंगे। और ये है फाइनल लुक। तो आप लोग देख सकते हो, ये सेंटर पे भी रख सकते हो या फिर कोई भी एक साइड पे रख सकते हो। मैंने इस साइड पे रखा, यानी कि हमारे दाएं तरफ पे मैंने रखा। अब हम अटैच करेंगे हमारा स्लीव्स को। तो स्लीव्स को हमने राइट साइड एक साथ रख के सेंटर से हम लोगों को स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पे हमारा अटैच हो गई है। जब ये हो जाए उसके बाद हमारा जो स्कर्ट है, स्कर्ट को हम लोग स्टिचिंग कर लेंगे। स्कर्ट के नीचे का जो पार्ट है हम लोगों को दो बार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल स्टिच से मैं स्टिच कर दूंगी। अगर आप लोग ये वाला पार्ट थोड़ा हेवी रखना चाहते हो, तो कटिंग के समय आप लोग थोड़ा ज़्यादा लंबा ले सकते हो, क्योंकि ये मैं टॉप बना रही हूँ, सो इसीलिए मैंने 14 इंच का लंबाई लिया है। आप लोग चाहो तो 16 या फिर 18 इंच तक भी जा सकते हो। और यहाँ पे जो स्कर्ट है, छोटे छोटे करके मैंने पैलेट्स दे दिए हैं। अगर ये पैलेट्स आप लोग नहीं देना चाहते, तो आप लोग छोटा छोटा करके हैंड स्टिच से भी आप लोग ये दे सकते हो, अगर मशीन से ये पॉसिबल नहीं होती है तो। सेम प्रोसेस में मैंने किया है जिस तरह से हमने स्लीव्स के लिए बनाए थे पैलेट्स। एक धागे को खींच के आप लोग छोटा छोटा करके ये पैलेट्स बना सकते हो। तो अब हम यहाँ पे टॉप पार्ट की जो एक पार्ट है वो मैं लगा रही हूँ फ्रंट पे। जब ये दोनों अटैच हो जाए उसके बाद हम लोगों को सिर्फ हाथों का नीचे से लेकर ड्रेस के नीचे तक, आखिर तक हम लोगों को एक स्टिच देकर इसको कंप्लीट करना है। और यहाँ पे हमने अब अटैच कर रही हूँ हमारा जो स्कर्ट है, स्कर्ट के साथ टॉप पार्ट का हम स्टिचिंग कर रहे हैं। और अब स्लीव्स का नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ से लेकर नीचे तक। तो इसी तरह से हमारा ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और ये डिज़ाइंस भी आप लोगों को अच्छा लगा। अगर ये मेरी ड्रेस आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल बटन है उसको क्लिक करो, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच। खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। बाय।